औद्योगिक क्षेत्र कोरोना का प्रकोप बदस्तूर जारी है। दिन प्रतिदिन मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के अभाव में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, यह कहना है स्थानीय पार्षद का। एमडी मेडिसिन डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं मिल पा रहा है रेमडेसिविर इंजेक्शन। एक तरफ तो प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, वहीं दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का रेमडेसिविर इंजेक्शन जिले में उपलब्ध होने के बावजूद भी पीथमपुर की सरकारी अस्पताल को नसीब नहीं। गौरतलब है कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है, तो वहीं कोरोना से मरने वाले लोगों का आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पीथमपुर डाक बंगला पहाड़ी पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिला प्रशासन ने कोविड 19 के पेशेंट के लिए एडमिट करने की सुविधा उपलब्ध तो कराई है, लेकिन गंभीर मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। कारण बताया जा रहा है कि पीथमपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल में एमडी मेडिसिन डॉक्टर की तैनाती नहीं है, इसलिए यहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं भेजे जा रहे हैं। वहीं स्थानीय पार्षद मुकेश पांचाल ने बताया कि अस्पताल में रोज लोगों की मौतें हो रही है, स्थिति काफी भयावह है। रेमडेसिविर इंजेक्शन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीथमपुर को नहीं मिल पा रहा है। अधिकारी साफ तौर पर कहना है कि एमडी मेडिसिन डॉक्टर नहीं होने की वजह से रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं भेज रहे हैं। स्थानीय पार्षद का कहना है कि हम चाहते हैं किसी डॉक्टर की धार से टेम्पररी व्यवस्था की जाए ताकि यहां के लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल सके, या फिर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को नियुक्त किया जाए, शायद किसी की जान बच जाए। भारती न्यूज के लिए पीथमपुर से कामिल मेहर की रिपोर्ट। यहां तो बहुत ज्यादा हालत खराब है, डेली 2 से 3-4 मौतें हो रही है और प्रशासन धार का हमारा कोई इतना ध्यान नहीं दे पा रहा है। डॉक्टर लोग सब मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको सुविधाएं नहीं मिल रही। अच्छा, जैसे सुविधाएं नहीं है तो अपन कैसे सुविधा की बात करना चाह रहे हैं? सुविधा जैसे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, अच्छा। अब मुझे पता चला उसको सिर्फ एमडी डॉक्टर ही लगा सकता है, अब हमारे यहाँ एमडी डॉक्टर नहीं है तो उसकी कुछ तो व्यवस्था धार से डेली अप डाउन करा के करा सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को पावर दे दें कि भाई वो आप लगा सकते हैं, तो कुछ तो अपन जान बचा सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिल जाए और अपन उनको बचा सकें। अच्छा, मतलब यहाँ पे व्यवस्था इस चीज़ को लेके ये लोग ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। अच्छा, अगर यूँ बात की जाए तो मतलब जैसे 2-3 दिन में कितने लोगों की मौत हो गई इस चीज़ को? पिछले 2 दिन में कम से 6 से 7 लोगों की मौत हो गई, कल से और आज में। अच्छा। और हालत बहुत ज़्यादा ही दयनीय है। और कोई ऐसा मुद्दा यहाँ का जो आपको अभी लग तो रहा यही बोल सकते हैं अपन कि ज़्यादा से ज़्यादा जाने बचा लें, अगर वो इंजेक्शन यहाँ पे होता है तो बहुत सारे लोगों को लग सकता है, कोशिश कर सकते हैं अपन लोग, इसलिए प्रशासन ने इस पर ध्यान देना चाहिए। पार्टी से और भी कोई लोग हो जैसे यहाँ पर बहुत सारे जैसे विधायक प्रतिनिधि भी लोग हैं और भी लोग हैं, उन पे भी किसी का कोई अगर या दोनों पार्टियों से कोई लोग भी इस चीज़ को उठा रहे हैं या मदद कर रहे हैं? कोई ऐसा मुझे तो नहीं लगना कोई जनप्रतिनिधि या ऐसी तरीके से कोई यहाँ पर मदद कर रहा है इस टाइप से। हालत दयनीय है, नहीं चाहते सारी व्यवस्थाएं जुड़ सकती हैं। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।